गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं आज आया हूँ मऊ मंडी, जहाँ पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, पूरा मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे दुकानें दिख रही होंगी आपको। मैं यहाँ से लूँगा फल, तो चलिए यहाँ का लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप जो भी देख पा रहे हैं लाइन से, ये सारी सरकारी दुकानें हैं। उधर बगल में फल की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, और आज काफ़ी भीड़ है मार्केट में, जो कि छठ माँ का त्यौहार है और सभी लोग अपने अपने लिए फल फूल सब्जी जो भी लाना है यहाँ से लेकर जाते हैं। तो अंदर लेकर चलते हैं, वहाँ का मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, क्या सीन है। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। एक बोरलेस का आयो भैया, अच्छा अच्छा, जैसे कि देख पा रहे हैं किस केले के गार को इसमें डालकर इसको भिगो देने से इसमें जो भी केमिकल पड़ा हो पक जाएगा। और सामने केले की पूरा मार्केट लगा हुआ है, एक एक गार 250-150 जैसा है वैसे दाम लग रहा है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, छठ माँ के त्यौहार पर इतना भीड़ है। और फल की रेट में देखा जाए तो जो फल है उसका रेट जो आज 50 होना चाहिए उसे 100 रुपये किलो, लेकिन फिर भी लोग मजबूरी है ले रहे हैं। बन रही है ब्लॉग के साथ और दिखाता हूँ आपको आगे। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। ऐसी जीत अब चाहे। दोस्तों हम फाइनली अब घर जा रहे हैं और हमारे साथ ओमकार जी मिल चुके हैं इधर क्रॉसिंग पे। अभी घर जाकर बाजार का जो निष्कर्ष है, क्या हमको सस्ता पड़ा क्या महंगा पड़ा, वही मैं घर पे जाकर बताता हूँ। बन रही है ब्लॉग के साथ, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों आ चुके हैं घर और मार्केट में सबसे महंगा फल ये मिला हमको, 100 रुपये का एक पीस। और हमको लग रहा है कि अभी कुछ समय बीतेगा तो 500 रुपये भी हो जाएगा। तो इस ब्लॉग कहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।